नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। अभी आईसीयू में रहेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अभी भी एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। श्रोमणि अकाली दल के प्रमुख 95 वर्षीय बादल को एक सप्ताह से अधिक समय से पहले सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दोस्तों उन्हें भर्ती कराया गया है। सोमवार को उनके स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल की तरफ से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में जानकारी दी गई है कि बादल अभी आईसीयू में डॉक्टरों की गहन निगरानी में ही रहेंगे। हालांकि अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि बादल की तबीयत में मामूली सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि यदि उनके स्वास्थ्य में अगले कुछ दिनों में लगातार सुधार देखने को मिलता है तो उन्हें एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। बता दें कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार दोस्तों मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अस्थमा से संबंधित शिकायतों के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उन्हें कोरोना का संक्रमण भी हुआ था। 2022 के अंदर भी उन्हें दोस्तों अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इस समय दोस्तों आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य में दोस्तों सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके बाद उन्हें एक अन्य प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। अब तक की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।